साथियों, 2014 के पहले 10 साल आपने कांग्रेस और एनडी गठबंधन की सरकार का काम देखा है। याद करिए, उन्होंने देश और प्रदेश का क्या हाल कर रखा था। ये एनडी गठबंधन वाले सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव बांध कर रखते थे। देश की पुलिस, देश की एजेंसियों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। यहां यूपी में भी यही हाल था। सपा सरकार में कितने ही शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल थे, आतंकी संगठन खुलेआम धमकी देते थे, सुरक्षा एजेंसियां बहुत मेहनत करके आतंकियों को पकड़ती थी, लेकिन सपा सरकार क्या करती थी? सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले देती थी। अफसरों को कहा जाता था कि आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करो। अफसरों पर दबाव बनाया जाता था कि आतंकियों को जमानत दिलवाओ, और जो अफसर जरा भी आनाकानी करते थे उनका ट्रांसफर हो जाता था, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। वाराणसी ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने के मामले में तो कोर्ट ने जो सपा सरकार को कहा था वो इनकी हिस्ट्री सीट है। कोर्ट ने सपा सरकार से पूछा था, क्या अब आतंकवादियों को पद्म भूषण देने का प्लान है क्या? इतना कुछ होता था, आखिर किसके लिए? इसका एक ही जवाब है, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के साजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। सपा कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को भी चुनाव दर चुनाव वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब मोदी की गारंटी एससी एसटी ओबीसी को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसलिए गरीब हो या एससी एसटी ओबीसी, ये सारे वर्ग कांग्रेस और एनडी गठबंधन से छिटक चुके हैं और वे आज बीजेपी के साथ आ गए हैं।